अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर इंटरवल नहीं दे रखा है, इसका मतलब जो टर्निंग पॉइंट्स होंगे उन्हीं पे हम लोग मैक्सिमम मिनिमा चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स फॉर टर्निंग पॉइंट, इसको हम लोग जीरो रखेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको उधर ले जाएंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स को हम लोग नीचे ले आएंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू वन। दिस इम्प्लाइज दैट टेन एक्स इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पे टेन जो है वो कहाँ कहाँ प्लस का होता है, देखो एक तो फर्स्ट में इसमें सारे प्लस के होते हैं, दूसरा इसमें भी प्लस का होता है। तो अगर हम ले रहे हैं ये चूंकि किसकी वैल्यू पर आता है वन, टेन पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर है, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो टेन पाई बाई फोर वन हो जाएगा। एक तो टेन इसमें पॉजिटिव होता है, यानी अगर हम इसको लें टेन पाई प्लस पाई बाई फोर तब भी ये वन देगा। तो बेसिकली एक्स जो है वो हमारा पाई बाई फोर आएगा, फोर वन जा फोर फाइव पाई बाई फोर आएगा, और इस तरह से कई सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम किस पे मिलता है। तो f डबल डैश निकालेंगे, ये आएगा हमारा माइनस साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम पाई बाई फोर रखेंगे तो साइन पाई बाई फोर ये भी पॉजिटिव रहेगा, कॉस पाई बाई फोर ये भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव से ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, लेकिन बाहर निगेटिव है, इसका मतलब ओवरऑल जो है ये निगेटिव हो जाएगा। एफ डबल डैश पाई बाई फोर जो है ये हमारा निगेटिव आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर अटेंस मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये मैक्सिमम पॉइंट मिल गया। तो अब हम जो है इसको इस पे रख देंगे, तो f पाई बाई फोर क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर। साइन पाई बाई फोर है वन अपॉन रूट टू प्लस कॉस पाई बाई फोर है वन अपॉन रूट टू, ये आ जाएगा टू रूट टू विच इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू अपॉन अंडर रूट टू से अंडर रूट टू कैंसिल, यह आ जाएगा अंडर रूट टू। तो दिस इम्प्लाइज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू। अब देखो ये तो हमने डेफिनेशन लगा के जो है कर लिया, लेकिन एक हमारा जनरल फार्मूला होता है कि अगर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ये दे रखा है तो ये लेस देन इक्वल होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन जनरल हम लोग ऐसे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये ए दे रखा है वन, क्योंकि ए की वैल्यू वन दे रखी है, बी की भी वन दे रखी है, तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर टू अंडर रूट टू आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट टू, मिनिमम हो जाएगी माइनस अंडर रूट टू। तो यहाँ पे हम लोग अगर ये वैल्यू चेंज कर दे, यानी मतलब यहाँ पे टू दे रखा होता, यहाँ थ्री दे रखा होता, तो टू टू जा फोर प्लस थ्री थ्री जा नाइन, नाइन प्लस फोर थर्टीन, अंडर रूट थर्टीन आ जाता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।